बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में 4 अफराद ने जाली पुलिस बनकर तकरीबन 5 लाख दिरहम लूट लिए। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स के मुताबिक 4 अफराद को पुलिस अफसरान का रूप धार कर एक शख्स से 4,89,650 सऊदी रियाल 4,78,550 दिरहम लूटने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इस तगासा की तहकीकात के मुताबिक मुलजमान ने मुतासरा शख्स से राबता किया क्योंकि उन्हें शुबा था कि वो रकम की गैर कानूनी मुंतकली की सरगर्मियों में मुलविस है। उन्होंने इसके लिए जाल बिछाकर इसे एक अवामी इलाके में फंसाया, जहां इन अफराद ने इसे बताया कि वो पुलिस अहलकार हैं और इस शख्स को बड़ी मकदार में गैर कानूनी नकदी रखने पर गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इनमें से एक शख्स दुबई ट्रैफिक पुलिस की मखसूस वर्दी में मलबूस था, इसलिए मुतासरा शख्स को किसी भी किस्म की गड़बड़ का शुबा नहीं हुआ और इसने रकम इनके हवाले कर दी। मुलजमान ने इस तगासा को बताया कि उन्होंने रकम आपस में बांट ली। अदालत ने 4 अफराद के गैंग को कैद की सज़ा सुनाई है। इन्हें चोरी की रकम अदा करने का हुक्म दिया है जो कि बरामद ना हो सकी, जबकि 5वें मदा अलह को बरी कर दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर इंतहाई 4 लाख सोना स्मिंगलर पकड़े गए। अब इस खबर की तफसील। दुबई एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले 2 मुसाफिर 5 लाख दिरहम मालियत का सोना अमारात में स्मिंगल करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। कस्टम्स अफसरान ने 2.3 किलो 24 कैरेट सोना कब्जे में ले लिया, जिसे पिघलाकर बेल्ट बनाया गया था। मकामी मीडिया के मुताबिक हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि तकरीबन 4,85,700 दिरहम मालियत के सोने को कई थैलियों और बेल्टों में तकसीम किया गया था, जिनको मुसाफरों ने पहनने या अपने सूट केस में जोड़ने से पहले सोने की रंगत को छुपाने के लिए इस पर पेंट भी किया। डायरेक्टर मेजर जनरल ऑपरेशन डिपार्टमेंट इब्राहिम कमाली ने कहा कि जब मुसाफरों के बैग को स्कैन किया गया तो इसमें सोने की तब्दीली दिखाई दे रही थी। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद हमने दरियाफ्त किया कि थैले में मौजूद तमाम बेल्ट खालिस सोने के बने हुए थे और इन्हें मुख्तलिफ रंगों में पेंट किया गया था। इस हवाले से की गई मजीद तफ्तीश के नतीजे में इनके साथ दीगर मुसाफरों की आमदोरफ्त को नाकाम बनाया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दुबई कस्टम्स ने एक बार फिर साबित किया है कि वो आला तालीम याफ्ता इंस्पेक्टर्स और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजीज़ की टीम पर इन्हसार करते हुए स्मिंगलिंग की तमाम कोशिशों के खिलाफ साबित कदम है। महकमे ने अपने कस्टम अफसरान को खसूसी तरबियती कोर्सेज कराए, जिसका मकसद मशकूक बॉडी लैंग्वेज को पहचानना और मंशियात की इकसाम की शनाख्त के साथ जदीद तरीन आलात में सरमायाकारी करना है। मिस्टर कमाली ने कहा कि स्मिंगलिंग के तरीके स्मिंगल शुदा मवाद की किस्म, खेप के साइज़ और नकल व हमल के ज़राए के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। स्मिंगलिंग के लिए मुसाफिर कई तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बड़े थैलों के नीचे खुफिया जेबों में अपने ममनुआ अशिया को छुपाना शामिल है। कुछ स्मिंगलर कस्टम के तेज़ और आसान तरीक़ाकार से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, गलती से ये सोचते हैं कि इससे सिक्योरिटी के साथ समझौता हो जाएगा, लेकिन वो बहुत गलत हैं क्योंकि हमारे मुआशरे और सरहदों की हिफाजत के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खवातीन मुलाजमीन को लालच देकर जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्ज़ाम में आजर को जेल की सज़ा हो गई। मुलजम ने वाक़े की इतला हुक्काम को करने पर मुलाजमा को बरतरफी की धमकी दे दी थी।
अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक निजी कंपनी के मैनेजर को अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपने जेरे इंतजाम काम करने वाली दो खवातीन को जिंसी तौर पर हिरासत करने का मुजरिम करार दिया गया है। एक तलाक याफ्ता खातून और एक बेवा को एक जिंसी तौर पर हिरासत करने पर एक अरब मैनेजर को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई। दोनों मुकदमात की तफसीलात के मुताबिक पहले वाके में मुलजमान ने अपने जेरे इंतजाम काम करने वाली तलाक याफ्ता मुलाजमा को निशाना बनाया और उसे ये कहकर खाली कमरे में ले गए कि किसी खास काम में इसकी मुआवना दरकार है। यहाँ पर मुलजिम ने खातून को जिंसी तौर पर हिरासत किया। मुतासरा खातून ने चीखने की कोशिश की और धमकी दी कि वो काम पर इनके इंचार्ज मैनेजर के साथ साथ पुलिस को भी आगाह करेगी, लेकिन मुलजिम ने इसकी बेइज्जती की और धमकी दी कि अगर इसने वाकये की इतला दी तो इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी मुतासरा खातून ने एक आज़ाद मुकदमे में बताया कि वो 10 साल से मुलजिम के जेरे इंतजाम काम कर रही थी। इसके शौहर की मौत के बाद मुलजिम ने इससे बार बार ऐसे गैर ज़रूरी मामलात के लिए रابطہ करना शुरू कर दिया जिनका काम से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके शौहर की मौत के बाद इसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाकर मुलजिम ने नामुनासिब और घटिया बयानात का सिलसिला शुरू किया। औरत ने फैसला किया कि जब इसे मालूम हो जाए कि इसने अपने साथी के साथ क्या किया है तो इसकी इतला दे। तहकीकात के बाद अदालत ने मैनेजर को मुजरिम करार देते हुए इसे 10,000 दिरहम जुर्माना भी किया। मुलजिम ने फैसले के खिलाफ अपील की जिसे मुस्तरद करके अदालत ने फैसला बरकरार रखा। दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।